से भी बमबारी करता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, स्वीडन में चार रूसी विमान दिखे हैं। स्वीडन की सेना ने यह तस्वीर जारी की है महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए। बड़ी खबर, स्वीडन में दिखे हैं चार रूसी लड़ाकू विमान। स्वीडन की सेना ने यह तस्वीर जारी की है कि चार रूसी लड़ाकू विमान दिखे हैं। ये बड़ी खबर, स्वीडन की तरफ से यह दावा किया गया है। और इस वक्त के एक एक करके युद्ध की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 8 दिन भले ही गुजर गए हों, लेकिन आप देखिए स्वीडन में देखे गए रूसी जेट, ये जो हम एक एक करके तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, चार रूसी जेट उड़ान भरते दिखे हैं एक साथ। और ये इस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, स्वीडन में देखे गए हैं ये रूसी जेट। यानी किसी भी सूरत में रूस बख्शने को तैयार नहीं है यूक्रेन को, वो चारों तरफ से तबाही करना चाहता है और तबाही के ही सिलसिले में वो कदम आगे बढ़ाते हुए। और अब जो हम इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, चार रूसी जेट उड़ान भरते हुए दिखे हैं, यानी तस्वीर बिल्कुल ये साफ है कि आने वाला जो वक्त है, अगला जो 2 से 4 घंटा है, वो और भी कहर बनकर बरपेगा किस पे, यूक्रेन पे। और ये एक शहर की बात नहीं है, ये सिर्फ खारकिव की बात नहीं, ये सिर्फ क्यों की बात नहीं, बल्कि जितने भी शहर है जहां जहां हथियार नहीं डालेंगे यूक्रेनी सेना, जहां जहां झुकने की कोशिश नहीं होगी, वहां अब सीधे सीधे अटैक किए जाएंगे। हवाई हमला को लेकर सायरन बजाया गया है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें, स्वीडन का रूस पर हमला, हवाई क्षेत्र इस्तेमाल करने का दावा किया जा रहा है। चार रूसी विमान हवाई क्षेत्र में देखे गए हैं और ये चार रूसी विमान की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, स्वीडन में देखे गए हैं ये चार रूसी विमान। स्वीडन का रूस पर बड़ा दावा, इस वक्त हवाई क्षेत्र इस्तेमाल करने का दावा किया जा रहा है कि हमारे हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए किया जा रहा है। तो एक तरफ स्वीडन का दावा है, लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दें कि खारकीव में भारी गोलीबारी भी लगातार जारी है। रूस की सेना ने हमले तेज कर दिए हैं खारकीव पर, जहां पर पिछले कई दिनों से हमले सबसे ज्यादा हो रहे हैं। यूक्रेन का पूर्वी इलाका है और वहां पर सीधे तौर पर गोलीबारी करती हुई रूस की सेना आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीर आप देखिए, खारकीव किस तरीके से वहां पर दिल दहलाने वाली तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि आज भी एक के बाद एक कई अटैक वहां पर किए गए हैं। पूरी की पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया गया, हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन भी यहां पर चलाया गया था, क्योंकि जानकारी यह भी मिल रही थी कि इस मलबे के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि फंसे हुए हैं। ऐसे में उन लोगों को रेस्क्यू किया गया था, रोते बिलखते लोग नजर आए थे और अब उन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है खारकीव में। खारकीव जो कि टाउनशिप के हिसाब से सबसे बड़ा शहर यूक्रेन का है और यहां पर ज्यादातर आर्थिक गतिविधियों का जमावड़ा रहता है, और खारकीव पर भी पूरा टारगेट रूस की सेना की तरफ से देखने को मिल रहा है। और इसके साथ ही आपको यह बता दें कि खारकीव में जो रूसी हमला हुआ है उसमें 8 लोगों की मौत हुई है। यह बड़ी खबर आपको बता दें, खारकीव में रूस की सेना का जो हमला हुआ है उसमें अब मौत का आंकड़ा निकलकर सामने आ चुका है, 8 लोगों की मौत हो चुकी है, मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल है। इस वक्त की बड़ी खबर, खारकीव में रूस की सेना लगातार बमबारी कर रही है, रिहायशी इमारत हमले में तबाह हो रहे हैं। वहीं कीव में भी रूस की सेना के हमले तेज हो चुके हैं, लेकिन खारकीव में जो हमले हुए हैं उसमें अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। दिन ब दिन ये भीषण युद्ध आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी ही तरफ आप देखिए किस तरीके से बेलारूस में दोनों देशों के बीच में बातचीत का दौर भी जारी है, लेकिन उम्मीद ना के बराबर है कि इससे कोई हल निकलेगा बातचीत के जरिए, क्योंकि दोनों देश अपने अपने रवैये पर अड़े हुए हैं। रूस ये कह रहा है कि पहले हथियार डालें, सरेंडर करें, फिर बातचीत करेंगे, लेकिन यूक्रेन ये कह रहा है कि बिना शर्त की बातचीत होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ वो तस्वीरें आप देखिए जो कि खारकीव से निकलकर सामने आई, किस तरीके से पूरा का पूरा शहर जो है खंडर में तब्दील हो चुका है, और यही आलम जो है पूरे यूक्रेन का बना हुआ है, शहर दर शहर बर्बाद हो चुके हैं। रूस के बम, यूक्रेन हुआ बेदम। यूक्रेन में तबाही बेहिसाब। गिरी मिसाइल, बरसे बम। कीव पर कब्जे की जंग। यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे के लिए रूस की सेना ने हमले तेज कर दिए। वहीं कीव की ओर बढ़ रही रूसी सेना को घेरने के लिए यूक्रेन की फौज ने बड़ा कदम उठाया। उसने कीव को जोड़ने वाले एक अहम पुल को बम धमाके से उड़ा दिया।
पुल को गिराने के लिए एक साथ दो बड़े धमाके किए गए। धमाके इतने जोरदार थे कि कई किलोमीटर दूर तक दिन की आवाज सुनाई दी। इस पुल को धमाके के जरिए उड़ाकर रूसी सेना की वापसी के रास्ते को बंद कर दिया गया। वहीं कीव से एक और वीडियो सामने आया जिसमें रूस के हमले के बाद अंधेरे में डूबे शहर में धमाके के बाद तेज रोशनी दिखाई दी। इसके बाद दिन के उजाले में पूरा शहर एक खंडहर में तब्दील दिखाई दिया। इमारतें मलबे में बदल गई और हमलों के बाद वहां से धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। रूस की बमबारी से कीव शहर का हर कोना बर्बाद दिखाई दिया। जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ बर्बादी का मंजर ही नजर आया। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन की सेना का बहुत बड़ा दावा सामने आया है। यूक्रेन की सेना जो कि लगातार दावा कर रही है और अब दावा यह है कि रूस के 9000 सैनिक जो है मार गिराए गए हैं। यह बहुत बड़ा दावा, इससे पहले 6000 सैनिकों के मार गिराने का दावा किया गया था, लेकिन अब 9000 सैनिक ढेर होने का दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है। यूक्रेन की सेना जो कि पूरी तरीके से डटकर सामना करती हुई रूस की सेना का नजर आ रही है और ऐसे में अब 9000 सैनिक ढेर करने का दावा यूक्रेन की सेना की तरफ से किया गया है। आज इस महायुद्ध का 8वां दिन है और ऐसे में धमाके हमले लगातार रूस की तरफ से जारी है। सबसे भारी नुकसान इस वक्त यूक्रेन को हो रहा है, लेकिन दूसरी ही तरफ यूक्रेन के अपने दावे हैं कि नुकसान हमारी तरफ से भी रूस को पहुंचाया जा रहा है। पूरे मनोबल के साथ, बाहुबल के साथ हम डटकर सामना करते हुए नजर आ रहे हैं। वो तस्वीरें भी आपने देखी जब वहां के आम लोग, नागरिक जो है, रूस की सेना की गाड़ियों को रोकते हुए नजर आए, गोलियां दागते हुए नजर आए और ऐसे में वहां पर जो ट्रेनिंग दी गई थी आम लोगों को कि किस तरीके से गोले दागने हैं, बमबारी करनी है, वो ट्रेनिंग की तस्वीरें भी आपने देखी। और ऐसे में यूक्रेन की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है कि रूस के 9000 सैनिक हमने ढेर कर दिए हैं, रूस के 217 टैंक नष्ट करने का दावा भी यूक्रेन की तरफ से किया गया है। यूक्रेन की सेना जो कि दावा करती हुई नजर आ रही है कि देखिए भारी नुकसान हमारी तरफ से रूस को पहुंचाया जा रहा है। और तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से जहाज पर धमाका किया गया रूस की सेना की तरफ से। ये विदेशी जहाज था जो कि बंदरगाह पर उस वक्त मौजूद था जब ये मिसाइल दागी गई। और साथ ही साथ उन इमारतों की तस्वीर भी आप देखिए जो कि पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है, पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो चुकी है। तो 8 दिनों से जारी युद्ध के बीच हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने परमाणु हथियार संभालने वाली अपनी फौज को तैयार रहने को कह दिया है। वहीं विशेषज्ञों एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि रूस परमाणु हमले के जरिए यूक्रेन ही नहीं बल्कि अमेरिका समेत उसके सहयोगी पश्चिमी देशों को सबक सिखाना चाहता है और इसलिए उसके निशाने पर कौन है, नॉर्थ सी। नॉर्थ सी एक टारगेट बना लिया गया है और ऐसे में अब लगातार ये सवाल बन रहा है कि क्या वाकई अब नॉर्थ सी के जरिए अब रूस जो है हमला कर सकता है। निशाने पर नॉर्थ सी क्यों है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। अमेरिका ब्रिटेन को ताकत दिखाना चाहता है रूस और इसी वजह से नॉर्थ सी उसके टारगेट पर है। परमाणु हमले के जरिए ताकत दिखाने की कोशिश रूस की तरफ से है और इसके साथ ही रूस के परमाणु निशाने पर गैर रिहायशी इलाका है। नॉर्थ सी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है और इसी वजह से नॉर्थ सी की तरफ आगे बढ़ता हुआ रूस। नॉर्थ सी ब्रिटेन और डेनमार्क के बीच का हिस्सा है और इसके साथ ही नॉर्वे, जर्मनी, दक्षिण नीदरलैंड्स भी नॉर्थ सी से लगे देश हैं। फ्रांस और बेल्जियम भी नॉर्थ सी से लगे हुए देश है और ऐसे में इन सभी देशों को सख्त चेतावनी देना चाहता है रूस। नॉर्थ सी से लगे देश नाटो के सदस्य है, हमले से बढ़ जाएगी नाटो देशों की मुश्किलें और ऐसे में नॉर्थ सी पर अब नजर आ चुकी है किसकी, रूस की। ऐसे में नाटो देशों की मुश्किलें बढ़ाने की कोशिश रूस की तरफ से है और इसके साथ ही एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यह दावा किया है कि रूस के सैनिकों का मनोबल टूट रहा है।